बुधवार का दिन अहमदाबाद के मोटेरा यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम रहा। पहले दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन और उसके बाद भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मुकाबला। भारत इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट सीरीज के पहले दिन का मैच जारी था। इसी दौरान स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसे लेकर नई बहस छिड़ गई। पहले तो इस पर विवाद हो गया कि क्या पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। ऊपर से इस स्टेडियम में दो छोर के नाम दो बड़े देश के उद्योगपतियों पर रख दिए गए तो सवाल उठ गए। एक एंड का नाम है रिलायंस एंड और दूसरे का नाम अडानी एंड। आगे विवाद क्या है इसे बताने से पहले आपको बताते हैं कि स्टेडियम में आखिर एंड का मतलब क्या है। एक स्टेडियम में अमूमन दो छोर होते हैं। पिच के दोनों ओर से की जाती है गेंदबाजी और बल्लेबाजी। हर ओवर के बाद गेंदबाज का छोर बदलता है। गेंदबाजी वाले छोर की पहचान के लिए उसे नाम दिया जाता है जिसे एंड कहते हैं। इन्हीं दोनों एंड का नाम मैच के दौरान दिखा। एक पर लिखा था रिलायंस एंड, दूसरे पर अडानी एंड। सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी चर्चाएं होने लगी। फौरन राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी ने लिखा, सच कितनी खूबी से सामने आता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अडानी एंड रिलायंस एंड जय शाह की अध्यक्षता में हैशटैग हम दो हमारे दो। अब राहुल गांधी ने जिस हैशटैग हम दो हमारे दो का जिक्र किया है वो क्या है आपको हम ये भी बताते हैं। राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा के दौरान किसानों का जिक्र करते हुए कहा था कि मोदी सरकार कुछ करीबी उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। इसी दौरान उन्होंने हम दो हमारे दो के जनसंख्या नियंत्रण वाले नारे को इस संदर्भ में दोहराया था। वो आपको याद होगा, वो फोटो होती थी चार, हम दो हमारे दो। क्यूट से चेहरे थे, सुंदर सुंदर चेहरे, मोटे मोटे चेहरे, हम दो हमारे दो। खैर, इससे होगा क्या? जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान हैं, इस देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा। इनमें से किसानों की खेत चली जाएगी, किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी और सिर्फ सिर्फ दो लोग, हम और हमारे, हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे। मैच देख रहे कई सारे लोगों ने स्कोर वाली पट्टी के स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया पर शेयर किया। बड़े बड़े लोगों की ओर से इसे लेकर ट्वीट किए जाने लगे, सवाल उठाए जाने लगे कि क्या गुजरात का नाम भी बदल जाएगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।